टू विनीता वर्मा। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से रेडी क्यों हुई हूँ। एक्चुअली मैं और मम्मी दोनों ही रेडी हुए हैं। एक्चुअली हमारे घर के पास ना एक शीतला मंदिर है, और इस टाइम जो कोलकाता में है उनको पता है कि शीतला पूजा होता है हर एरिया का। तो यहाँ आज हमारे घर के पास जो शीतला मंदिर है वहाँ पूजा है। तो आज नियम ये होता है कि आज गर्म खाना कुछ नहीं बनता है, रात का ही जो खाना होता है उसी को ठंडा करके खाया जाता है। तो यहाँ पांता भात का बहुत चलन है कि रात को भात बनाते हैं, मतलब राइस बनाते हैं कुक करके, और फिर उसमें उसको ठंडा करके उसमें जो मतलब आपका ठंडा पानी है वो डाल के रख देते हैं, और आज उसी को खाते हैं। तो यही नियम है, फिर रात को गर्म खाना बनता है जब तक पूजा नहीं हो जाता है। तो इसीलिए बींग न्यू बहू मैं हर साल, मेरी मम्मी पूजा देने जाती थी, तो जाती थी बोलना गलत हो गया, जाती हैं अभी भी, गई हैं। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरी सास भी रेडी हो गई हैं, अब हम लोग दोनों जा रहे हैं पूजा देने के लिए। तो अगर इसके बीच में अगर मैं थोड़ा सा भी अगर ब्लॉगिंग कर पाती हूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए तब तक मिलती हूँ। रुंगी रुंगी टाटा, আমরা পূজো দিয়ে আসছি, ঠিক আছে? আমরা পূজো দিয়ে আসছি, তুমি রাগ করবে না, আমরা একটু পূজো দিয়ে আসি, ঠিক আছে? টাটা। হ্যাঁ ফোন রেখে না। ये हमारा तुलसी मंच। पूजा के भात का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, वहाँ मंदिर था। अभी आज पांदा भात खाया जाता है, सब पांदा भात खाने बैठे हैं। बाबू कैमन लगछे? हमें तो गरम करे खूब ही ভালো লাগে, फर्स्ट क्लास। এই তো আর একজন দ্বিতীয় বার খাচ্ছে, ওই জন্য ফেস দেখাও কেমন লাগ রহা হ্যায়। মা তুমি বলো কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। আমি খেয়ে দেখি কেমন লাগছে, আমার তো ভালোই লাগবে। अभी ना मुझे नींद लग रहा है, मन कर रहा है कि थोड़ा सो जाऊं, क्योंकि धूप इतना, बाहर इतना ज्यादा धूप है, मन नहीं कर रहा है जाने का। बट व्हाट टू डू, काम है, करना पड़ेगा। गर्मी के दिन में निकलने से ना हालत ख़राब हो जाता है। एक तो मैं ऐसी इतनी गोरी हूँ और गोरी हो जाऊँगी। बस मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने का क्या है, बस एक बिंदी मैंने छोटा कर लिया, आई पुट लिपस्टिक एंड हेयर, बस हेयर को मैंने जस्ट ऐसे टाइप कर लिया एंड दैट्स ऑल। आई एम रेडी फॉर अ मीटिंग। अभी मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, बताऊँ क्या बुरा लग रहा है, रुके दिखा। सुबह काम था तो वो काम पे गए थे, तो अभी इतना गर्मी है ना तो नीचे सोए हुए हैं, अभी मुझे इनको उठाना है, उठा के फिर काम पे लेके जाना है। ये देखिए रुंगी। हाय रुंगी, दादा सुइया से तुलते हमें घूम थे के? हाँ हाँ। अभी इनको उठा के काम पे ले जाना ना, मुझे मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है, लेकिन व्हाट टू डू। उठ जाओ, उठे पड़ो, उठे पड़ो, काए जाबे तो उठे पड़ो, उठे पड़ो, उठे पड़ो, उठे पड़ो, उठो गो। ऐ उठो 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 उठो। हम लोग 2 बजे निकले थे, 2:10:15 में। हाँ लाल चाय लेबू चाय तुम्हें पियो। सो हम लोग 2 बजे निकले थे एंड अभी बज रहा है, घड़ी तो मैं भूल आई हूँ पता ही आप लोग को, और अभी बज रहा है शाम का 6:30 हो रहा है एंड अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मीटिंग कंप्लीट करके। भूख से सच में फिर से हालत ख़राब हो गया, भूख लग गया है बहुत ज़ोर से। मीटिंग हो गया, अब आई डोंट नो इस मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा। आजकल थोड़ा दिन काल ख़राब चल रहा है। इवन की पता है अभी आते वक्त क्या हुआ है, आते वक्त ये हुआ है कि ये जो हेलमेट है ना इसका कांच नहीं था, तो मैंने अपना हेलमेट खोल के और हाथ में रखा था एंड ट्रैफिक पुलिस था नहीं, मतलब दिन का टाइम था, 2 बजे जनरली कहाँ होते हैं। लेकिन बोलते हैं किस्मत मेरा इतना ख़राब है कि मेरे को पुलिस ने पकड़ा और स्मार्ट कार्ड ले लिया ना, स्मार्ट कार्ड ले लिया। और कितने रुपये का फ़ाइन बना? 1000। 1000 का फ़ाइन बना है, मतलब गलती मेरा था नो डाउट कि हेलमेट मैंने नहीं पहना था। हेलमेट मैंने इसलिए नहीं पहना था ना क्योंकि कांच नहीं था, तो फिर आँख में धूला लग रहा था, तो मैं पूछने के लिए जस्ट मैंने अपने हेलमेट को उतारा था एंड बस जनाब आए
और उन्हें मैं ही दिख गई और वो ले लिए हेलमेट तो मेरा। फिर उसके बाद मैं तुरंत हेलमेट में कांच लगवाया। एंड सर आपको 1000 रुपया दे के कैसा लगा थोड़ा बताइए व्यूअर्स। अच्छा तो मुझे पता है कैसा लगा, जब काम ना हो और पैसा निकले पे निकलता नहीं, निकलता पे निकलता जाए। काम नहीं, हाँ एक्चुअली हमारा अभी थोड़ा काम का डगमगा गया है, काम नहीं है। लोगों हमें कुछ काम दो, हमारे हमसे कुछ इंटीरियर करवाओ, हमारे हमसे कुछ काम करवाओ, सो दैट आपका भी भला हो हमारा भी भला हो। अभी ना हमारा हाल ये है कि महंगाई में आटा गीला, महंगाई आटा गीला, इसीलिए तो मैं पूजा दे रही हूँ आजकल भगवान जी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मैं जिस वे से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वो काम ही नहीं हुआ। अभी चलते हैं फिर, अगर शाम जाना है अभी मेरे को, मेरा और एक मीटिंग है आज के, वैसे मीटिंग पे मीटिंग ही किए जा रहे हैं, बस कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, क्या पता है। चला जाए फिर भगवान जी को भी दिखाएंगे, वहाँ प्रसाद लेने भी जाना है। ठीक है चलिए, कुछ खाती हूँ अगर तो फिर मैं मिलती हूँ आपको। मैं जस्ट अभी ऑफिस पहुँची हूँ, दैट इज अभी भी 9:45 बजा है एंड मेरा और एक मीटिंग है। आई डोंट नो इस मीटिंग का भी क्या होने वाला है, एंड साथ में ही मेरा कुछ क्लास चल रहा है तो मैं क्लास भी कर रही हूँ। मैं पूरे बाइक पे बैठते बैठ बैठ के क्लास करते करते आ रही थी, अब मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मुझे मंदिर जाना है, मतलब वहाँ मंदिर भी जाना है, मंदिर से प्रसाद भी लेना है एंड इसके बीच में एक मीटिंग भी करना है। तो चलिए जैसे जैसे जो जो होता रहता है मैं बताती हूँ। शायद आज का दिन बहुत ज़्यादा हेट्रिक था एंड ऐसे अभी चलेगा भी शायद। सो मैं जैसे ही जाती हूँ वहाँ, उसके बाद फिर मंदिर में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं ऑफिस पहुँची हूँ अभी, ठीक है। और ये रहा मंदिर की तरफ का रास्ता, क्राउड देखिए। लाइन प्रसाद का लाइन, इस बार मेला नहीं बैठा है देखो। हेलो बोले दो सबाई के, हाथ हाथ देखिए बोले दो, हेलो हेलो हमारा। और ये देखिए यहाँ से ना हमारा घर दिखता है, वो जो एकदम कॉर्नर में है ना वो में हम लोग का घर है और बस मम्मी घर की तरफ। और ये सब हमारे रास्ते पे संगी साथी, ये देखिए हम लोग को देख के एक्साइटमेंट इन लोग में शुरू हो जाता है। ये देखिए ये हम लोग को देख के ही वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। पता है हम लोग एक बात बोलते हैं लाइक यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंसानों से ज़्यादा ये कुत्ते बिल्लियाँ हम लोग को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अभी आप लोगों को और एक दिखाऊंगी सिनेरियो, चलिए। ये देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा तो जा रहे हैं हम लोग दिखाएंगे, चलिए। वो देखिए एक जन सोया हुआ था, खड़ा हो गया। आशो 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 चलो बाड़ी चलो बाड़ी चलो। ये देखिए यहाँ लाइट, चुन्नु मुन्नु।
एक्सपेरिमेंट हो रहा है, देखो वैसे देखिए क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। की होचे भाजा पीठे, भाजा पीठे, भाजा पीठे, और यहाँ पूड़ी बन रहा है। आज कालो जी आज जॉन छिलो ना बाबा के दिए, तुम ही दिए छो बाबा दिए जाओ। हां माता को हम तो कितना सुंदर हुआ देखो। तो की दे कालू जी ने जो? नहीं नहीं आपको खाने का कितना सुंदर लगता है मालूम है? बहुत सुंदर लगता है। छोड़िए आपको जरा, ये भी थोड़ा पूरी भी पूरी पूरी भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंगड़ा भी बन रहा है। सिंगड़ा बन रहा है, मीठा सिंगड़ा, मीठा सिंगड़ा। हाँ नारियल लेके देखो देखो ये देखो बहुत सुंदर। কি রে তুই কি মাথা খারাপ করে দিবি? তো তো মা যাচ্ছে, এবার তুই কি করবি বল তো? একটা একটা করে ভাজা যায়। আর লুচির সাথে আর কিছু হবে না? হ্যাঁ আর কিছু আর বনে নেই, এই তো এইসেই চল যায়গা। ইতনা সুন্দর টেস্ট হয় না, আপনা এইসেই খা লেতে হম। চাই ফির চাই পুরি খানা পড়েগা। নেই নেই তো কুছ হ্যায় ক্যা হ্যায় খাতে ওয়াক্ত দিখেগা। হ্যাঁ खाने का समय दिखाएगा कि क्या हो रहा है। ओके सिंगड़ा हो चुकी नहीं? ठीक है हैं हो चेताओ, तो मैं भी अपना काम कर लूं, फिर खाते वक्त मिलती हूं आप लोगों से। माँ इटा एक्सपेरिमेंट करे चे क्या मन हुए चे बोलो। अरे इटा की मुख थे के बोलो ना, क्या नो तुम्ही बोलो भाला हुए चे तुम लोग ने खाने को खा ची टेस्टी हुए चे। अरे मुखे जेते दो ये वाला लगो गोमा ना गो गोमा बना है नी गो ऐसा ऐसा ते नाम अच्छे प्यारा बच्चा गोम का सापुरी सापुरी। हाँ ऐसा भाजा पीटे कैसे बोले? और अब ऐसा समोसा बनाने के लिए समोसा, और हमारे नियम हमारे वाला मोने पीछे नाम होते सातपुली। सातपुली ऐसा सात पुली, आप लोग भी बना के खाइए सात पुली। इसका मैं कभी डिटेल वीडियो दूंगी। बाबा अच्छा की आछे मेन्यू थे? दाल लुची आलू भाजा और बेगुन भाजा। आज के शीतला पूजा स्पेशल और मिष्टी आछे, मिष्टी आछे। चलिए सब डिनर कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आज का डिनर? ये ऐसे ऐसे क्यों बोलते हो? देखो ना, और साथ में भी चल रहा है यहाँ एक मूवी, अच्छा मूवी चल रहा है। हम लोग मूवी देख रहे हैं और साथ में खा रहे हैं, और वहाँ रंगीला भी बैठ के देख रही है। আলুর দম ছোলার ডাল সুজি বা সিমই লুচি, ছোলার ডাল এমন যে বাটি এক বাটি আমি চুমুক দিয়ে খাচ্ছি। पौने बारह अभी भी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। एंड इसी नोट पे आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज एनर्जी नहीं है और ज़्यादा बात करने का, सो बाय बाय। एंड फिर कल सुबह मिलती हूँ एक नए एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।